दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप SBI की पासबुक को मशीन के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम मशीन में आ जाते हैं। इससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी जो पासबुक होगी, पासबुक पर ये बारकोड लगा होना ज़रूरी है। ये आपको बैंक वाले बारकोड लगा कर देंगे। इस तरीके का आपकी पासबुक के अंदर बारकोड लगा होना चाहिए। बारकोड नहीं लगा होगा तो पासबुक में आप इस तरीके से मशीन से एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बारकोड लगा है, तो बारकोड मेरे में लगा हुआ है और इसको इस तरीके से खाली पेज को इस तरीके से ले लेना है और इसके बाद यहाँ पर मशीन में आ जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी जो भी भाषा आप रखते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर मैं इंग्लिश करता हूँ। इसके बाद देखिए प्रिंट रखेंगे आप यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर करेंगे प्रिंट। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस ले लिया इसने, प्लीज़ इंसर्ट लास्ट पेज। तो हमने लास्ट पेज जो था वो कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा जो बारकोड मैंने आपको दिखाया था। बारकोड को वेरीफाई करके जो डिटेल होगी वो यहाँ पर निकालेगा। और देखिए यहाँ पर ये जो है इस तरीके से आपकी डिटेल आ जाती है और यहाँ पर ये जो आपकी एंट्री है मशीन के थ्रू होने लगी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक पेज करूँगा। अगर आप एक पेज से अधिक करना चाहते हैं तो इसको पलटा कर रख सकते हैं। अगर आपको और भी एंट्री करनी है तो मुझे फ़िलहाल इतनी ही करनी है। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इतना करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी जो पासबुक है निकाल लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप SBI मशीन के थ्रू अपनी पासबुक पर एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।